हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक ऐसे वेजिटेबल की सब्ज़ी लेके आई हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत से लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, खासकर बच्चे तो बहुत नाक मुंह सिकोड़ते हैं। तो ये इस तरह से आप एक बार बैंगन यानी एग प्लांट की सब्ज़ी बना के देखें। आई एम श्योर कि बच्चे भी खाएंगे और आप लोग भी इसका मज़ा बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। मेरी रेसिपी को बड़े ध्यान से देखिए और चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक मुट्ठी भर के मूंगफली दाने ले लिए हैं। इनको मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी और उसके बाद मैं 2 स्पून नारियल का बूरा जो मिलता है मार्केट में उसको ले लिया है, उसको भी फटाफट भून के मैं निकाल लूँगी। अब दोनों को हमें ग्राइंड कर लेना है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में मैं लूँगी 2 टमाटर और आजकल हरा लहसुन खूब आ रहा है तो मैंने हरा लहसुन लिया है। अगर अवेलेबल ना हो तो आप सूखा वाला भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में ली है 2 हरी मिर्च, इसका भी मैंने एक पेस्ट तैयार कर लिया है। साथ ही लिया है मैंने 1 प्याज जो कि मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। अब ऑयल लेंगे थोड़ा सा एक पैन में और उसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी हींग और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है अनियन। अब अनियन को मैं अच्छे से भून लूँगी। इधर मेरे पास करीब 250 ग्राम्स बैंगन है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, मेरे पास इतने ही हैं। तो इसको भी मैं लंबा लंबा कट कर लूँगी। इस तरह से हम कट कर लेंगे। इधर हमारे अनियन जो हैं वो भुन चुके हैं, अब इसमें ही हम बैंगन डालेंगे और दोनों को एक साथ भुनेंगे। ये प्रोसेस में करीब 10-15 मिनट्स लग जाएंगे। अब ये भुन चुके हैं। भुनने के बाद अब मैं इसमें जो मसाला मैंने पेस्ट तैयार किया था टमाटर लहसुन और हरी मिर्च का, वो मैं इसमें डाल दूँगी। अब अगेन 5 मिनट के लिए हम उसको रखेंगे, उसके बाद हम मसाले डालेंगे। हल्दी, मिर्च, सूखा धनिया, नमक, ये सभी मसाले मैं इसके अंदर डाल दूँगी। मसाले डालने के बाद हम फिर इसे करीब ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे। आफ्टर 5 मिनट्स हम इसमें जो मूंगफली और नारियल के बूरे का हमने जो पाउडर बना के रखा था वो करीब 4 स्पून डालेंगे। जैसे ही हम ये डालेंगे एकदम ड्राई हो जाएगा हमारा बैंगन। अगर आपको लगता है बहुत ड्राई है तो इस स्टेज पे आके आप थोड़ा सा पानी का छींटा भी मार सकते हैं, या अगर आप इसी तरह से पसंद करते हैं तो इसी तरह से आप खाइए। 1-2 मिनट मैंने और रखा है, 2-3 मिनट, बस इसको मैं धनिया से गार्निश करूँगी और इट्स रेडी टू सर्व। आप इसके साथ सिर्फ चपाती के साथ भी खाते हैं तो आप यकीन मानिए अगर आप 2 चपाती खाते हैं तो 3 ज़रूर खा जाएंगे, और अगर आप राइस दाल के साथ भी इसे सर्व करते हैं बेस्ट आइडिया है। तो भाई देरी किस बात की है, आज ही बनाइए और देखिए आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं या नहीं। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। रेसिपी लाइक ज़रूर कर दीजिए और न्यू टैलेंट को प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और ऑल पे सेट करिए। न्यू टैलेंट को सपोर्ट अगर आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। प्लीज़ सपोर्ट द चैनल। गुड बाय।